HyperOS 1.5 का सिस्टम लॉन्च में नया अपडेट है। अगर आपको जानना है कि ये अपडेट करने के बाद आपका Redmi और Xiaomi डिवाइस में क्या नया फीचर्स और चेंजेस होने वाला, तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। पसंद आता वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को टैप कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, HyperOS 1.5 का अपडेट करने के बाद आपको आपका डिवाइस में बेटर एनिमेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका फोल्डर ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ब्लर लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और एक ऐसा फीचर ऐड किया गया जो कि आपको दिखेगा तो नहीं, बट वो ऐड जरूर हुआ है। और ये आपका डिवाइस में अगर HyperOS Android 14 है तो आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप जाइएगा आपका सेटिंग्स का ऑप्शन में, फिर होम स्क्रीन में, फिर विथ ऐप ड्रॉअर, तो विथ ऐप ड्रॉअर में आपको सर्च में और नॉर्मल भी आपका होम स्क्रीन का सर्च में आपको AI सजेशंस देखने को मिला है और ये ऐड किया गया है। तो अगर आपको AI सजेशंस चाहिए तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये प्रॉपरली आपका HyperOS का क्लोज बीटा चाइना रॉम जो उसमें ही काम करेगा, बट आप ग्लोबल और इंडियन डिवाइस में भी ट्राई कर सकते हैं। इंस्टॉल तो हो ही जा रहा, अनेबल हो रहा है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा, बट हाँ AI सजेशन फीचर्स ऐड किया गया है इस सिस्टम लॉन्चर का अपडेट में। तो अगर आपको चाहिए ये नया फीचर था, ये आप ट्राई कर सकते हैं आपका Redmi और Xiaomi डिवाइस में अपडेट करके सिस्टम लॉन्चर को। तो देखो, AI सेशन फीचर तो ऐड किया गया है और बाकी आपको ऐसा कुछ नया ऑप्शन या चेंजेस नहीं देखने मिलने वाला है, बट जो एनिमेशंस है और ब्लर लेवल है ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा HyperOS का जो ये अपडेट में सिस्टम लॉन्चर का, काफ़ी अच्छा है। और बाकी मेरे को ऐप ड्रॉअर नहीं पसंद है, मतलब मेरे को डायरेक्टली जो होम स्क्रीन ही आ जाता वो बेटर लगता है, बट अगर आपको ऐप ड्रॉअर पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को होम स्क्रीन क्लासिक वाला पसंद है तो मैं क्लासिक में स्विच कर जाता हूँ, मेरे को ऐप सजेशंस भी नहीं चाहिए, बट आप ट्राई कर सकते हैं। और विथ स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आपको सर्च का ऑप्शन मतलब अप में देखने को मिल जाएगा, और डाउन में आपको जो है आपका नॉर्मल देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन का, और आपका एनिमेशन स्पीड भी इंप्रूव हुआ होगा। अगर आपका डिवाइस में अच्छा प्रोसेसर है तो आपको बेटर एनिमेशन, नहीं है तो थोड़ा सा खराब देखने को मिलेगा। और आपका सिस्टम नेविगेशन भी इंप्रूव किया गया है, तो अगर आपको चाहिए था आपका नेविगेशन भी इंप्रूव हो जाए तो ये अपडेट एक बार करके देखो। और बाकी एज इट इज़ वैसे ही फीचर्स होने वाला है, ऐसा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो एनिमेशन था आपका ऐप वॉल्ट कंट्रोल सेंटर हुआ ऐसे ही जैसे था वैसे ही रहने वाला है, बट हाँ AI सेशंस जो ऐड किया गया उसके लिए ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो। और अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ पहले डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने बाद सेव करो, और अगर इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो जाओ देख लो। जैसे कि मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ HyperOS Android 13 के साथ Redmi Note 11 Pro Plus 5G में, और इसमें परफेक्टली चल रहा है और इंस्टॉल भी हो गया। तो अगर आपका कुछ दिक्कत हुआ है तो जाओ पहले सेटिंग्स में, फिर ऐप्स में, फिर जाओ मैनेज ऐप्स में, फिर जाओ सर्च करो, सर्च बार में जाके सिस्टम लॉन्चर या लॉन्चर भी डायरेक्ट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलो लॉन्चर सर्च करते हैं, और लॉन्चर सर्च करने के बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट करना होगा। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा और इंस्टॉल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अनइंस्टॉल अपडेट करो, और फिर जो आपको लिंक मिला था डिस्क्रिप्शन में उससे डाउनलोड करो, सेव करो, इंस्टॉल करो फाइल मैनेजर में जाके APKs में, या रिसेंट में आपको ये APK देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो पसंद आया तो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।